वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विभिन्न बीमारियों के बारे में और ये बीमारियां जो है वो किनकी वजह से होती हैं। तो किनकी वजह से मतलब कि फंगस से हैं, कि वायरस से हैं, कि बैक्टीरिया से हैं, कि प्रोटोजोवांस या हेलमेंथीज। तो इनसे होने वाली मानव में बीमारियां और पौधों में कौन कौन सी बीमारियां हैं, आज हम उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वायरस विषाणुओं की वजह से होने वाले मानव में जो रोग हैं उनके बारे में। तो इधर जो है वो विषाणुओं के नाम दिए हुए हैं और इस साइड में उनसे जो होने वाले रोग हैं उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक, तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो वायरस है वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर, इसकी वजह से होता है क्या? स्मॉल पॉक्स। तो जो स्मॉल पॉक्स है उसका जो विषाणु है वो है वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर, इसकी वजह से होता है स्मॉल पॉक्स। दूसरा वायरस है राइनो वायरसेस। ठीक है, तो राइनो वायरसेस की वजह से होता है कॉमन कोल्ड, मतलब जो सर्दी जुखाम जो देखने को मिलता है वो वायरसेस की वजह से होता है और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो है राइनो वायरस। अगला है मम्स आर्थो बुलेवेरस आर मम्स वायरस। ठीक है, फिर से देखिए, मम्स आर्थो रूबिल वायरस या मम्स वायरस, इसकी वजह से होता है मम्स। सिंप्लेक्स वायरस, जो सिंप्लेक्स वायरस है उसकी वजह से होता है हर्पीस। इन्फ्लुएंजा वायरसेस, तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस के जो है वो चार प्रकार हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी, इन्फ्लुएंजा वायरस सी और इन्फ्लुएंजा वायरस डी, इसकी वजह से इन्फ्लुएंजा होता है। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा में जो लक्षण होते हैं वो सर्दी जुखाम वाले ही होते हैं, जो कि आज की डेट में चाइना में फैला हुआ है। ठीक है, यह है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सार्स कोव 2 बोलते हैं। ठीक, जिसका फुल फॉर्म भी याद रखिए आप, कभी कभी जो है फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जैसे सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसकी वजह से कोविड 19 होता है। तो अगली बीमारी है एड्स। एड्स जो होता है वो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस या ये कहें HIV की वजह से होता है। ठीक, तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो बीमारी है वो HIV की वजह से होती है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अगला वायरस है पोलियो वायरस या इंट्रोवायरस सी। ठीक, इसकी वजह से होता है पोलियो। ठीक, तो इसका जो वायरस है पोलियो वायरस या इंट्रोवायरस। अब हम बात करेंगे कि विषाणुओं की वजह से जो पौधों में रोग होता है उनके क्या नाम है। तो इधर जो है वायरसेस की लिस्ट है और इधर जो है पौधों में जो होने वाला रोग है वो टोबैको मोजैक वायरस TMV, इसकी वजह से होता है मोजैक फॉर्मेशन इन टोबैको एंड अदर प्लांट्स। जो मोजैक फॉर्मेशन होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो है TMB या टोबैको मोजैक वायरस। अगला है टोमैटो येलो लीफ कर्ल वायरस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TYLCV बोलते हैं। ठीक है, टोमैटो येलो लीफ कर्ल वायरस, इसकी वजह से क्या होगा, जैसा नाम ही है लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग हो जाती है। ओक्रा येलो वेन मोजैक वायरस OYVMV, इसकी वजह से होता है येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, क्या, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग। अगला है टोबैको येलो ड्वार्फ वायरस TYDV, जिसकी वजह से ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ होता है, मतलब कि पौधे जो है वो छोटे हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो वायरस है TYDV है, जिसको टोबैको येलो ड्वार्फ वायरस जिसका कारण है। अब हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन बींग्स में, ठीक, मानव में बैक्टीरिया की वजह से जो होने वाले रोग हैं। ठीक, तो इधर है बैक्टीरिया की लिस्ट और इधर जो है उसे जो होने वाले रोग हैं उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे क्लास्ट्रिडियम टिटैनी, इसकी वजह से टिटनेस होता है। सोलमेरला टाइफी, इसकी वजह से टाइफाइड होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे ट्यूबरकुलोसिस, जिसको क्षय रोग बोलते हैं, TB बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी, इसकी वजह से डिफ्थीरिया होता है, जिसको कुकर खांसी बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी या दूसरा जो है बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इसकी वजह से निमोनिया होता है, क्या होता है, निमोनिया। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसकी वजह से लेप्रेसी होती है, जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं हिंदी में। तो कुष्ठ रोग या लेप्रेसी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अगला है ट्रिपेनेमा पैलिडियम, इसकी वजह से सिफिलिस होती है। ठीक, तो सिफिलिस के लिए जो जिम्मेदार है बैक्टीरिया वो है ट्रिपोनेमा पैलिडम। नेक्स्ट, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे
कि बैक्टीरिया की वजह से पौधों में होने वाले रोग, तो इधर है बैक्टीरिया का नाम और इधर है प्लांट में होने वाले रोग, जेंथोमोनस एक्सोनोपोडिस। ठीक है, तो जेंथोमोनस एक्सोनोपोडिस इसकी वजह से होता है सिट्रस कैंकर। तो ये जो है जो खट्टे फल होते हैं उनमें जो डिजीज होती है इस बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसका नाम है जेंथोमोनस एक्सोनोपोडिस। इरविनिया एमाइलोवोरा इसकी वजह से होता है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल के लिए जिम्मेदार जो बैक्टीरिया है वो है इरविनिया एमाइलोवोरा। शिडोमोनास सिरिंजी की बात करते हैं, तो शिडोमोनास सिरिंजी की वजह से होता है वाइल्ड फायर ऑफ टोबैको। ठीक, तो देखिए फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल होता है इरविनिया एमाइलोवोरा की वजह से, और वाइल्ड फायर ऑफ टोबैको होता है शिडोमोनास सिरिंजी की वजह से। अगला एग्रोबैक्टीरियम टूबीफेसियंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। जो क्राउन गाल की जो बीमारी है वो होती है एग्रोबैक्टीरियम टूबीफेसियंस की वजह से। अगला है जेंथोमोनास वेस्कुलोरम, इसकी वजह से होता है सुगर कैन गमिंग डिजीज। तो ये जो है गन्ने की डिजीज है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया है वो है जेंथोमोनास वेस्कुलोरम। जेंथोमोनास वेसिकेटोरिया इसकी वजह से होता है बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ टोमेटो। जो टोमेटो में बैक्टीरियल स्पॉट होता है उसके लिए जो जिम्मेदार है वह है जेंथोमोनास वेसिकेटोरिया और जेंथोमोनास परफोरेंस। ठीक है, इन दोनों बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ टोमेटो के लिए रिस्पॉन्सिबल ये दोनों बैक्टीरिया है, कौन, जेंथोमोनास वेसिकेटोरिया और जेंथोमोनास परफोरेंस। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि प्रोटोजोआ। ठीक, जो प्रोटोजोआ है उनकी वजह से ह्यूमन बींग्स में जो होने वाले रोग हैं, इधर नाम क्या दिया हुआ है प्रोटोजोआ का और इधर नाम दिया हुआ है उनसे होने वाली बीमारी, जैसे ट्रिपैनोसोमा ब्रुसाई इसकी वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। प्लाज्मोडियम स्पीसीज जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया, इसकी वजह से होता है मलेरिया। लिस्मेनिया लिस्मेनिया डिवेनोनाई की वजह से लिस्मेनियासिस होता है, ये याद रखिए। एंड अमेबा हिस्टोलिटिका की वजह से एमेबोसिस होता है। ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई की वजह से चाका डिजीज, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए इसको, ठीक, बहुत बार पूछा गया है ये। टेक्सोप्लाज्मा गुंडाई, टेक्सोप्लाज्मा गुंडाई से होता है टेक्सोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे वे बीमारियां जो प्रोटोजोअन की वजह से प्लांट में होती हैं। ठीक है, तो फाइटोमोनास लेप्टो वैसोरम इसकी वजह से होता है फ्लोएम नेक्रोसिस डिजीज इन कॉफी। तो कॉफी में जो फ्लोएम नेक्रोसिस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फाइटोमोनास लेप्टोवैसोरम। अगला है फाइटोमोनास स्टेहिलाई, ठीक, इसकी वजह से होता है विल्ट डिजीज इन कोकोनट। तो कोकोनट में जो विल्ट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो है फाइटोमोनास, जो प्रोटोजोअन है वो है फाइटोमोनास स्टेहिलाई। अब हार्ट रूट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है फाइटोमोनास स्पीसीज। ठीक है, फाइटोमोनास स्पीसीज और फाइटोमोनास स्टेहिलाई की वजह से होता है सडन विल्ट इन ऑयल पाम। नेक्स्ट, डिजीज कॉज बाई हेलमेंथिस इन ह्यूमन्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में हेलमेंथिस की वजह से होने वाले रोग, एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइडिस इसकी वजह से एस्केरेसिस होता है। वोचेरिया बॉनक्राफ्टाई या वोचेरिया मैलाई की वजह से होता है एल्फेंटियासिस ऑफ आर्फेलरिस, जिसमें जो है पाँव जो होते हैं वो फूल जाते हैं, ठीक, जिसको हिंदी में हाथी पाँव भी बोला जाता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा हेलमेंथिस, वोचेरिया बॉनक्राफ्टाई या वोचेरिया मलाई। सिस्टोसोमा मानसोनाई की बात करें इसे सिस्टोसोमायसिस होता है। ट्रिकेनेला स्पेरलिस की वजह से ट्रिकेनोसिस होता है। टीनिया सोलियम की वजह से सिस्टी सिरिकोसिस होता है। और एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस जिसको पिनवॉर्म भी बोलते हैं इसकी वजह से होता है एंट्रोबियोसिस। नेक्स्ट, फंगस की वजह से ह्यूमन बींग में होने वाले रोग, तो इधर जो है वो फंगस का नाम दिया हुआ है और इधर जो है उस रोग का नाम दिया हुआ है जो ह्यूमन बींग में होता है, जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस इसकी वजह से होता है कैंडिडियासिस। क्रिप्टोकॉकस नियोफॉर्मेंस, ठीक, क्रिप्टोकॉकस नियोफॉर्मेंस की वजह से होता है क्रिप्टोकॉकल मेनिंजाइटिस। माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान एंड एपिडर्मोफाइटान इसकी वजह से रिंगवर्म्स होता है। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की वजह से हिस्टोप्लाज्मोसिस होता है। म्यूकोमाइसाइट्स म्यूको
म्यूकोर माइसाइट्स की वजह से म्यूक्रोमाइकोसिस होता है और एस्परजिलस की वजह से एस्परजिलोसिस होता है। तो ये लिस्ट थी फंगस की वजह से ह्यूमन बींग में होने वाले रोग की। अब हम बात करेंगे कि फंगस की वजह से जो प्लांट में रोग होते हैं उनके नाम। अल्टरनाइज सोलनाई इस फंगस की वजह से होता है यर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मतलब कि आलू में ये जो यर्ली ब्लाइट है वह अल्टरनिया सोलनाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस इसकी वजह से होता है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फक्सिनिया ट्रिटिसिनिया इसकी वजह से वीट लीफ रस्ट होता है, तो वीट लीफ रस्ट मतलब गेहूं का जो लीफ रस्ट की जो बीमारी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फक्सिनिया ट्रिटिसिना। अस्टिलेगो ट्रिटिसेई की अगर हम बात करें इसकी वजह से लूज स्मॉट ऑफ वीट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है। ठीक, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज की वजह से होता है पाउडरी मिल्ड्यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है बीमारियां थी और उनसे होने वाले रोग की लिस्ट। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोटोजोअन से होने वाली बीमारियां, वायरसेस की होने वाली, वायरसेस से होने वाली बीमारियां, फंगस की वजह से होने वाली, एलमेंथीज की वजह से होने वाली और बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियां, और वो भी प्लांट में भी और ह्यूमन बींग्स में भी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।